टेंशन वर्ड निकाल दीजिए आप अपने दिमाग से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक, देखिए सर, नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो ये फॉर्मेट है। इसका मतलब देखिए हाईएस्ट पावर इन दिस एक्सप्रेशन इज टू, लेकिन आगे जाके जब आप इसके रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ेंगे उसमें हाईएस्ट पावर फोर भी आती है, उसको हम मैनेज करते हैं बात को, अभी पछड़े में नहीं डालेंगे। अब देखो ये क्या मतलब हुआ कि ना व्हेन द क्वेश्चन ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज फेल्ड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बॉर या स्टार्ट्स। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब स्टार्ट होता है एंड टू मैथमेटिशियन है गिवन हिज या हिज ने दो है तो दियर वेरी वेल कॉन्ट्रीब्यूशन एक थे आपका देखो ना श्रीधराचार्य और दूसरे थे आपका उमर खयाम, ये दो मैथमेटिशियन थे। इन्होंने श्रीधराचार्य ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी माने डिस्क्रिमिनेंट और उसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस फोर एस, ये श्रीधराचार्य सर ने दिया एंड उमर खयाम सर ने माइनस बी अपॉन ए टू ए दिया। दोनों को मर्ज जब किया गया तो आपका नाम देखो दिस का, तो ये फॉर्मूला आपका जो ड्राइव होकर के आया ये भी कैसे होगा ये भी बताऊंगा। तो फॉर्मूला यूज तो आपका देखो अगर एक्सप्रेशन इज इन एक्स, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एक्स में हो उस समय एक्स के आपको फाइंड आउट करना होता और इसका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए या और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी इन प्लेस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यू कैन कीप दिस कैपिटल डी ओवर आपका टू ए आपका। अब देखना तो अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आपको और ये तो मैंने इतना सा आपको बताया एक मिनट अब देखो ये अब मैंने क्या लिखा था देखो When the quadratic equation of middle term is filled, MTS, middle term splitting भी आपका देखो ना ये b sorry ये a x square plus b x और plus c। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स वाई और जेड की है। यहां पे तो ए देखो ए का मतलब देखो आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू देखो आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स हो गया और सी इज इक्वल आपका देखो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब देखो पहले मैं इसकी नॉर्म्स मैं पूरी आपको इंट्रोडक्शन है इसकी समझा दूं आपका देखो ये हो गया। अब आपका देखो ना मैंने क्या बोला जब कोई भी सवाल आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा तो डेफिनेटली 101% आपका ये श्रीधराचार्य और उमर खयाम मेथड से होगा। अगर आप नाइन्थ के पिछली बार का आपका पॉलिनोमियल अगर आप देख लें पॉलिनोमियल मैंने बिल्कुल क्लीन किया हुआ है बिल्कुल क्लीन, शायद आपको यूट्यूब चैनल में किसी में नहीं मिलेगा आप जाकर के देख लीजिए इसको, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है जैसे डी है इसकी कंडीशन में बता दूं सब चीजों को मैं बता रहा हूं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई सवाल नहीं हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जरूर होगा
और उसमें भी देखो डी, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसमें कंडीशन डी को जब आप कैलकुलेट करते हैं देखो वही डी इज कैलकुलेटेड, जब आप कैलकुलेट करते हैं आपका देखो ना डी इज कैलकुलेटेड, देन द फॉलोइंग कंडीशन राइजेस, मे बी लिख देता हूं और क्लियर होगा, वो क्या राइज होगी आपका देखो, पहले फर्स्ट ए में आपका अगर डी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ऐसे, यानी कि और आपका जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आप कनेक्ट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ी जाती है, कहने का मतलब ये हो गया पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे हैव इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि ये रियल क्या होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, अल्फा आपका हमेशा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव होता है कायदे से, लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं, अल्फा की वैल्यू आपके रूट टू आ सकती है, बीटा की वैल्यू माइनस रूट टू आ सकती है, कभी कभी अल्फा की वैल्यू वन बाई टू आ सकती है, बीटा की वैल्यू माइनस आप माइनस टू आ सकती है, कभी कभी अल्फा की वैल्यू रूट थ्री आ सकती है, बीटा की वैल्यू टू आ सकती है, मतलब ये ऐसे आ सकती है, लेकिन कायदे से डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डी आई एस टी आई एन सी टी, तो जब आप डी कैलकुलेट करते हैं, जब आप कोई सवाल कर रहे हैं और आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पा रहा है, आपके पास लास्ट हटकंडा हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए मुझे, तो उस समय आपका जब आप डी कैलकुलेट करते हैं यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अगर वो जीरो से बड़ी होती है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, उस समय आप लिखेंगे हैव इट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा, यानी कि एक वैल्यू आपकी अल्फा प्लस वाली अल्फा की होती है और बीटा माइनस की होती है, हो सकता है कि आगे जाके वो प्लस प्लस भी आ सकते, क्योंकि कई कई बार होता है साइन जब चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन आपके आते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, आप समझ रहे मेरी बात, वो तो अभी हम जब करेंगे तब आप, उसके बाद देखो डी, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो यानी कि और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को या डी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, तो यहां पे आप लिखेंगे है इट्स टू रियल रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स का मतलब जो x की वैल्यू होगी वो अल्फा और x की वैल्यू बीटा, दो वैल्यू जो होती है, इसका मतलब आपका क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों वैल्यू आपके यूज होती है, अगर यहां पे जब आपका डिस्टिंक्ट रूट्स है तो यहां पे लिखा जाता है, जो कोई टीचर नहीं बताता है, यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, यहां पे इतना लिखने के बाद फिर फॉर्मूला लिखा जाता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, तब डी की वैल्यू या फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यहाँ रख के डी की वैल्यू रख के एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेते हैं तब दो वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे जब रिपीटेड रूट होंगे इसका मतलब यूजिंग ओनली उमर खयाम मेथड, यानी कि एक्स की जो एक वैल्यू अल्फा होगी वो आपका माइनस बी बाई टू ए होगी और आपका x की जो दूसरी वैल्यू होगी बीटा वो भी आपका माइनस बी बाई टू, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा या पहले सेम वैल्यू से प्लस टू है तो प्लस टू होगी माइनस टू है तो माइनस टू होगी प्लस रूट टू होगी तो प्लस रूट टू होगी माइनस रूट टू होगी तो माइनस टू, दोनों वैल्यू सेम, और अगर आपका देखो सेम इफ डी को कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटिंग डी एंड आपका स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो आता है, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर आती है, निगेटिव इंटीजर्स का मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस सारी वैल्यूज आपके माइनस में कोई भी आ सकती है, तो यहां पे लिखेंगे हैव इट्स नो रियल रूट्स,
और क्वेश्चन आपका यहाँ पे पैकअप हो जाएगा, यही छोड़ देंगे आप क्वेश्चन को, यू लीव योर क्वेश्चन थी। ये यहाँ से आगे आपका 11th क्लास में जाता है और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसमें, उसमें माइनस वन जो होती है आई की वैल्यू होती है और आई को आपका आयोटा कहते हैं, आयोटा, उससे ये सवाल होते हैं, टेंथ में आपके कोर्स के लिए। ठीक हो गया, आपका कुल मिला करके क्या हो गया कि वेन, मैंने बहुत क्लियर बोल दिया, स्पेशल नोट, वेन एनी क्वेश्चन ऑफ मिडिल टर्म स्टडी इज नॉट बी डन बाय मिडिल मिडिल टर्म इज नॉट डन, बल्कि अगर इज नॉट डन इट इज फेल टू कैलकुलेट, आप इसको कैलकुलेट देन these questions can only done by quadratic equation method, तब आप सिर्फ इसको quadratic equation method से करते हैं। हाँ तो अगर लीजिए बोल इस फिलियोर लीजिए असफल हो जाते हैं आपसे सवाल नहीं होता, इज नॉट डन तो इसका मतलब क्या हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू जीरो कर दो मिडिल टर्म के सवाल को तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। वैसे अगर आप जनरल पॉलिनोमियल की बात करते हैं आपका तो कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपका आईडी यूज करके हो जाता है। आईडी का मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, या आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या मिडिल टर्म का एक फॉर्मेट है, याद रखिएगा। कई कई सवाल ऐसे होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आईडीज भी लगती है, पहला फॉर्मेट है। अगर इसमें आईडीज आईडी इज नॉट एप्लीकेबल, अगर आईडी एप्लीकेबल नहीं देन चेक बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप करेंगे। और अगर अपन इफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल ना हो then solve that same question by quadratic equation method, तो तब आप quadratic equation या इस procedure से करेंगे। नहीं तो एक general idea की बात कर रहा हूं, नहीं तो एक अगर polynomial को आप solve करने की बात करते हैं वो highest degree जिसकी टू हो हाईएस्ट पावर जिसकी, तो वो सवाल आपका आईडी से हो जाएगा, मैंने बोला वो सवाल आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, और वो सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसमें कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से, और दूसरा आपका ना ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड जिसको आप कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य एंड उमर खयाल मेथड, ये है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थीम, जो आपको अभी शायद चैप्टर पढ़ाया भी नहीं होगा। क्लियर, तो जरा डू इट फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक एग्जांपल मैंने एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ले लिया, आपका आप क्या कह रहे थे पहले, आप ये जरा मास्क से मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। वाई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू सिक्स से निकल रही है, निगेटिव में है,
ये वाई नेगेटिव है, यहाँ वो वाई इज इक्वल टू आपका माइनस सिक्स हो जाएगा। एग्जैक्ट, चलिए थैंक यू, ओके नो प्रॉब्लम। देखिए अब एक क्वेश्चन मैंने, ये कोई किताब से नहीं है, ये किताब आपकी बंद है, ये जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ये नहीं की। देखो इसमें एक एग्जांपल मैंने ले लिया। अब मैंने क्या कहा था कि एक क्वेश्चन को आप कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब करते हैं जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाता है। तो देखो कहाँ कहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लो, ये इक्वल टू जीरो अगर आपका दे दिया सपोज, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। लेकिन फिर भी देखिए क्यों है, इधर देखो, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू आपका क्या है, आपका नाम देखो दिस टू। पहली चीज देखो ये इस इन द फॉर्म ऑफ, अभी देखो ये आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ये देखो इक्वल टू जीरो, ये आपका देखो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है आपका, देखो जैसे एक्सपेंडेड, इसके जब जिप करेंगे पावर फॉर्म में लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आपका पावर फॉर्म है। ठीक है, तो देखो अब ये सवाल देखिए, फर्स्ट देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, यहाँ पे आपने आईडी अप्लाई की है, यहाँ पे अप्लाई आईडी ध्यान से देखिएगा, तो आपका आईडी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वह ए इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स है और बी इज इक्वल आपका इक्वल टू, ध्यान से तो इसको इसको क्या एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू आई डी कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर पहले ए का हमेशा स्क्वायर बनाया करें, फिर आपका बी का स्क्वायर बनाया जाए करेगा, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है इसको लिख दो, जब ए का स्क्वायर हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ रख देना, बी का स्क्वायर हो जाएगा तो बी की वैल्यू यहाँ रख देना, अगर ए प्लस है आपका प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर। तो देखिए अभी पहले आप क्या करेंगे कि टू का स्क्वायर बना दीजिए, फोर के स्क्वायर को टू का स्क्वायर बना दिया, अब आपका देखो ना माइनस फॉर्मूले में टू फॉर्मूले का चुरा लिया आपने, ए की वैल्यू देखो ए की वैल्यू आपका एक्स है और बी की वैल्यू विच इज इन साइड द लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस दैट इज द वैल्यू द फ्रंट वैल्यूज ऑफ ए एंड द लेटर वैल्यूज ऑफ योर बी इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब देखो ये क्या हुआ कायदे से ना, देखो इफ आपका ये कायदा क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे तो कई लोग देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो देखो ए इफ एक्स माइनस सॉरी एक वैल्यू इसके बराबर इफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो ना देखो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, और बी देखो आपका नाम इफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो देखो एक्स इज इक्वल टू, एक्स की दो वैल्यू है। अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग जब मैंने यहां लगाया था, देखो इसका मतलब जब दो वैल्यू सेम आती है इसका मतलब रिपीटेड रूट होता होगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। इतना इंटेलिजेंट आपको बनना है कि सवाल के जो फॉर्मेट है उसको आपने तुरंत अपने दिमाग में रखा होगा। अगर ये सवाल ऐसे नहीं होता, देखो इधर देखिए फर्स्ट आईडी मेथड, अभी सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपका जो इसका फॉर्मेट होता है फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है क्योंकि हमने एक्स की दो वैल्यू निकाल ली इक्वल टू जीरो, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया कायदे से, लेकिन फिर भी देखो अब मैंने जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो बात करूँ, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टू कैलकुलेट आप कैसे करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस है देखो ए, पहले आप मल्टीप्लाई करते देखो ए मल्टीप्लाई प्लस सी और आप क्या बनाते हैं प्रॉब्लम द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए
इसको आप कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, देन प्रोडक्ट को आपका फैक्टराइज करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं छोटे स्मॉलर नंबर से, और उसके बाद जब आपका देखो ये फैक्टराइज हो जाता है, इसके बाद हम इनके फैक्टर्स को देखते हैं, प्लस वन है या माइनस वन है, प्लस टू है या माइनस टू, मतलब जो भी है, मतलब प्लस माइनस तो बात को करते हैं, वन टू थ्री फोर है नहीं उसी में, और जब भी आपका देखो फैक्टर्स आ जाते हैं इनको आपका एडजस्ट किया जाता है विद साइन बाय साइंस बाय मल्टीप्लाई और एंड मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस करके देखिए टू ब्रिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका बी एक्स है, ये लाना होता है। ए और सी बाय द हेल्प ऑफ द ए एंड सी एट लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट आपका नाउ बी एक्स, दैट इज कॉल्ड द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर इस सवाल को हम कैसे करते हैं, जब आप सवाल कर रहे हैं इसके आगे वन लगा दीजिए, if there is no coefficient, if there is no coefficient with x square means the highest power you have to put one here, idhar ab dekho idhar dekhiye how can we calculate first 1 into 4 is equal to 4, a into c is equal to product, ye bana diya idhar dekhiye didi idhar sign baat ko marna bip tabhi to banoge jab bbip wala kaam karoge, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया इसको फैक्टराइज करेंगे तो टू टू सा टू वन, ये आपने क्या किया फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद आपके देखो फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स क्या है वन टू टू, देखिए अब उसके बाद ये जो फैक्टर्स जब आए इनको आपका एडजस्ट करें, एडजस्ट करके आपको यू हैव टू ब्रिंग माइनस फोर एक्स, ये आपको लाना है अब टू वन जब टू, तो पहले माइनस टू और ये बचा माइनस टू, जब ये ऐड होंगे तो आपका देखो ये सबट्रैक्ट होंगे तो माइनस फोर होगा, उनका साइन आएगा क्योंकि बोथ हा लाइक टर्म निगेटिव के लाइक टर्म, और दूसरी बार में जब ये माइनस टू और इनकी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट इन्हीं की कर रहे थे, माइनस टू और माइनस टू को जब मल्टीप्लाई माइनस माइनस करना टू टू सर देख रहे ये माइनस ये फोर आ गया और पीछे का साइन भी आ गया, दैट्स व्हाई साइन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए ये बड़े बड़े सूरमा ना मैथ तो ले लेते हैं कई बच्चे लेकिन उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। इधर अब इधर यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने किया क्योंकि ये सवाल इक्वल टू जीरो भी लिखते तो ये मैथड से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस फोर इज इक्वल माइनस और माइनस एड आए और माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे G for group, C for group. देखो x, x minus 2, minus 2 दोनों में कॉमन है। If the first binomial is coming negative, second will come automatically negative. Why? क्योंकि minus plus का minus और minus minus का plus. देखो C for group. एक इन दोनों में से आएगा और एक जो rest amount है इधर x monomial और इधर monomial आपका group. A. If x minus is equal to 0, तो देखो सॉरी x is equal to आपका 2, फिर दूसरे वाले को आप करोगे if x minus 2 is equal to 0, तो देखो x is equal to 2, therefore x is equal to 2 and 2, ये आपका 2 comma 2 ये दो आंसर आएगा। देखो यही सवाल आपका फैक्टराइजेशन से हुआ, अगर नहीं होता तो इससे कर दे, अगर इससे भी नहीं होता नाउ थर्ड मेथड, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, बाय द वे इफ दिस क्वेश्चन इज फेल टू सॉल्व आपका नाउ दिस, तो अब आप क्या करते हैं दोनों का फॉर्मेट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू आपका देखो
ax square plus bx or plus c is equal to 0, highest power 2, या मल्टीपल अप टू भी आप कर सकते हैं रिड्यूसिबल। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा जब आप जब सॉल्यूशन करेंगे आप क्या करेंगे, 1x square minus 4x plus 4 is equal to 0 is लिखेंगे, कोई नहीं लिख रहा मत लिखे आप लिखेंगे, is compared with standard form of quadratic equation, quadratic equation का standard form ax square plus bx plus c is equal to 0। अब यहां पे देखो वह x square को compare करिए, the value of a is equal to 1, x x को compare करिए, the value b is equal to minus 4, याद है, and constant के मतलब जिसके साथ कोई भी x और y नहीं होता, plain number होता, खाली figure होती है, अपन उसे साइंस इंपॉर्टेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पे आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का था श्रीधराचार्य मेथड से आपका जो है ये यूज करें बी स्क्वायर माइनस फोर इधर देखिए, तो डी इज इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर बी की वैल्यू जरूर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू जरूर, इधर देखिए इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, और इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डी इज इक्वल टू आपका 16 माइनस 16 डी इज इक्वल टू 0। अभी अभी मैंने कंडीशन क्या लिखाई थी, जब आपका ये डी इज इक्वल टू 0 इंटीजर आ जाता है यहां पे क्या लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ डी इज इक्वल टू 0 हैव इट्स टू रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स यानी कि यहां पे सिर्फ उमर खयाम मेथड ही यूज होता है, वो क्या होता है पहली वैल्यू x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है आपका, और दूसरी वैल्यू भी x इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, टू है जी बिल्कुल सही कह रहे सर, यही मैं देखना चाह रहा था, माइनस माइनस तो ये फॉर्मूले का बी की वैल्यू देखो फिर माइनस होगा टू इंटू ए की वैल्यू होगा माइनस माइनस का प्लस, एक्स इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस फोर ओवर टू इंटू टू, एक्स इज इक्वल टू बीटा माइनस माइनस का प्लस, देयरफॉर एक्स है टू फैक्टर्स और ये दो फैक्टर्स हैं पहले बना टू एंड टू, तो मतलब कोई सवाल अगर आईडी नहीं लग रही है तो और हाईएस्ट पावर टू है तो आप उसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ट्राई करेंगे, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हुआ तो लास्ट वेपन आपके पास ये है, आइदर दैट आंसर इज कमिंग आपका रूट में हो या किसी में हो, तो क्या दिख रहे हैं पीछे जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लगभग आज से 10-12 साल पहले के हैं और वो आप ही के ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, तो वो एक फाउंडेशन टेस्ट लिया था उसमें आपका, तो ये आपके एग्जांपल दिए जरा क्विकली करिए, और कहीं पे दिक्कत है बताइए, पहले कर लीजिए फिर दोबारा